जिंदाबाद साथियों, आज अरावली निर्माण मजदूर सुरक्षा संघ की ओर से आज मल्ला तलाई चौराहे पे एवं गोर्धन मिलास कच्ची बस्ती में श्रमिक माता बहनों के साथ आज एक जागरूकता कार्यक्रम के दौरान जो है उनको सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। इसके साथ ही चौकटी पे जो श्रमिक है, मल्ला तलाई चौराहे पे जो श्रमिक मौजूद रहते हैं, जो गांवों से काम के रोज़गार के लिए आते हैं, उन लोगों को अधिक जानकारी नहीं होती है। तो अरावली निर्माण मजदूर सुरक्षा संघ से पिछले 2 महीने से लगातार मजदूर भाइयों को जागरूक किया जा रहा है कि वो अपना श्रमिक कार्ड बनाए और उससे लाभ से जुड़े। इसके लिए जो गांव के जो सरपंच और सरपंच है उनसे भी लगातार संपर्क किया जा रहा है, ताकि उनके माध्यम से भी लगातार वो नाकों पे आए और नाकों पर आकर जो है वो भी इस प्रचार प्रसार का हिस्सा बने और मजदूर भाइयों के योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए वो भी लाभबंद होकर यूनियन का सहयोग करें और अपने ग्रामीण क्षेत्र के मजदूरों का सहयोग करें, अपने गांव के लोगों का सहयोग करें। इसी मंशा के साथ अरावली निर्माण मजदूर सुरक्षा संघ लगातार जो है प्रयास कर रहा है और इसमें प्रयासरत है। आज माता बहनों को भी पालनहार स्कीम योजनाओं के बारे में जानकारी देकर जागरूक किया। लगातार 2 महीनों से जो है लगातार कैंपेनिंग के माध्यम से जागरूकता अभियान चलाकर जो है लगातार मजदूरों को जागरूक किया जा रहा है और अरावली निर्माण मजदूर सुरक्षा संघ के समस्त साथी अपने अपने ब्लॉक स्तर पर भी लगातार जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। इसके साथ ही लेबर हेल्पलाइन एवं जनदक्षा ट्रस्ट, आजीविका ब्यूरो सभी मिलकर मजदूर भाइयों को जो है जो हमारी NCCL के तहत पालनहार स्कीम है उससे जोड़ा जा रहा है, ताकि मजदूर भाई कहीं बीमार हो जाए या उसको कोई क्षति हो जाए तो उस दौरान उसको 500 रुपये का प्रतिदिन का इलाज भर्ती रहने पर उसको क्षतिपूर्ति दिया जाएगा। तो ये एक बहुत ही अच्छी योजना है, इसके जुड़ाव के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। अरावली निर्माण मजदूर सुरक्षा संघ सभी मजदूर भाइयों के सर्वांगीण विकास में लगातार सहयोग कर रहा है और निरंतर जो नाके हैं उदयपुर के सभी नाकों पर प्रचार प्रसार किया जा रहा है। जिंदाबाद साथियों। ले
तो ये मल्ला तलाई चौराया है और यहाँ पे लगातार प्रचार प्रसार चल रहा है। मजदूर भाइयों के साथ में जानकारी दे रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अपना अपना आवेदन करें। काफ़ी बड़ी संख्या में यहाँ पे श्रमिक भाई आते हैं। तो देखिए आप ई मित्र वाले भाई हमारे कैलाश जी आज आ गए सेवा देने के लिए, मजदूर भाइयों के हितार्थ के लिए। आज बड़े खुशी की बात है कि हमारे आदरणीय कैलाश जी ई मित्र वाले जो पिछले लंबे समय से किसी कारणवश सेवाएं नहीं दे पा रहे थे, लेकिन अब वापस आ गए हैं और मल्ला तले पे हमारे मजदूरों को जो है हमारे निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। लगातार हम प्रयास कर रहे हैं कि हमारे मजदूर भाइयों के बीमे, इनके श्रमिक कार्ड, इनकी छोटी बड़ी समस्या है, आधार की समस्या है, राशन कार्ड की समस्या है। अब लगता है कि हम यहाँ जो हमारा मल्ला तलाई चौराया है, जो नाका है, ये मजदूरों का सबसे बड़ा नाका है, यहीं पे हम समाधान करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। अरे भाई देखो जागरूक हो गए, लाओगे कलो तैयार। हाँ तो सब हमारे भाई तैयार है और सब श्रमिक कार्ड बनाएंगे और लाभ उठाएंगे ना। इसमें बच्चों को कोई आपके पैसा मिलेगा, आपका सुरक्षा बीमा रहेगा, कभी कुछ हो जाते, बीमार हो जाते तो सारा इसमें प्रावधान है। कुछ हो जाए तो ये बहुत जरूरी है। हाँ तो साथियों अपन को देखो भरना जरूरी है, हम लोग आपकी सेवा के लिए तैयार है। देख लो मेहनत कर रहे हैं, करेंगे ना, इसके लिए हमारे लिए कर रहे हो। हाँ पैसा से आगे कहना चाहिए। तो लगातार अरावली निर्माण मजदूर सुरक्षा संघ प्रयास कर रहा है कि मजदूर भाइयों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले, ज़्यादा से ज़्यादा इनका सर्वांगीण विकास हो और जो भी अपने क्षेत्र में आर्मी नहीं बढ़ने वाले उनको भी लाओ। सबको अपन कलर का काम सिखाएंगे, लाइट का काम सिखाएंगे, बिजली का काम सिखाएंगे, है ना, ताकि उनका जीवन बन जाएगा। नल पट्टी का काम भी अपना बढ़िया, भारत सरकार का सर्टिफिकेट मिलेगा, उनसे वो लोन भी ले सकते हैं, है ना। तो बहुत अच्छा प्रावधान है। क्या सेवाएँ दी आज? आज हमारे मजदूर भाई को समझाया है कि मजदूर रैली से ये होता है कि लाभ का आप आगे तक फायदा उठा सकते हैं और इसको कराना आवश्यक है। तो कैलाश भाई बता रहे हैं कि इसको कराना बहुत आवश्यक है क्योंकि मजदूर को सरकार ने श्रम कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने के लिए, उनको लाभ लेने के लिए श्रम कल्याण योजना कल्याण मंडल की स्थापना की है और उसका लाभ निरंतर उठाते रहे मजदूर भाई। यही हम इसी सोच के साथ सभी साथी मिलकर और आज्ञावान होकर यहाँ पर सभी कार्य कर रहे हैं, सब मजदूरों को लाभ दिलाने के लिए पूरा संघर्ष कर रहे हैं। कब से काम चालू हुआ अपना? पिछले 3 साल पहले से चालू था, कुछ कारणवश 8-9 महीने में नहीं आ पाया, पर आप वापस सक्रिय सहयोग करने के लिए वापस आ गया। तो अब सक्रिय रूप से हम लोग मजदूर भाइयों को जितना भी है इसकी जानकारी देके सारा सुविधाएं का फायदा उठवाएंगे। तो अब सक्रिय रूप से हम लोग अपनी भागीदारी निभाने वाले हैं और मजदूरों को आज फॉर्म भरेंगे और सभी को देंगे ताकि वो अपने सिग्नेचर करा के और कल वापस ला सके, ऐसा हम व्यवस्था स्थापित कर रहे हैं। तो जिंदाबाद साथियों, देखते रहिए हमारा चैनल। अपना कागज ले लूँगा तो मैं वहीं आ लूँगा, फिर आपके पास सेवा रहा तो मैं तैयार हूँ, हाथ में ले लूँगा, फॉर्म भी मैं भरी दे लूँ, है ना। सब भाइयों को जानकारी दे रहे हैं, अपनी सुरक्षा करो, अपने बच्चे बच्चे की चिंता करो। मेरी सुरक्षा कर ले पहले, फिर बाद में लोगों की सुरक्षा कर ले। समस्या का समाधान नहीं है, मजदूरी मिलती नहीं है। अब हम खाने कहाँ जाए? तो ये आप हड़ताल में तो तो राशन से ही खाली पेट नहीं भरता है, उसके साथ कितना सामग्री चाहिए वो क्या हमें मिलती है क्या? हमें कोई सरकार नहीं दे रही है, हम भूखे मर रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि हमें अनाज दिलाए, लून मरा तेल सब दिलाए, मजदूर के भी मजदूरी दे हमें, तो हम मजदूरी करें। नाथूलाल जी सही कह रहे हैं, नाथूलाल जी की बात पे विचार किया जाए और मेरी आवाज़ जो सुन रहे हैं, नाथूलाल जी की आवाज़ सुन रहे हैं, सरकार के प्रतिनिधि अपनी बात सरकार तक पहुंचाएं और हमारे मजदूर भाइयों को राहत प्रदान करें। और उनको सबको बोला श्रमिक कार्ड बनाने के लिए, श्रमिक कार्ड भी बहुत से लोगों के बन गए हैं, बहुत सारे बाकी हैं जिनके पास किसी की कागज़ की कमी है तो करवा रहे हैं और हम लोग
जल्द से जल्द हम कोशिश कर रहे हैं कि इनके सभी कार्ड बनवाएं और इनको समझाएं। इससे हमारा कहना है कि हमारे जो मजदूरी को भाई को मजदूरी नहीं मिल रही है तो हमें मजदूरी दिलाने का कष्ट करें। कच्ची बस्ती में श्रमिक माता बहनों के साथ आज एक जागरूकता कार्यक्रम के दौरान जो है उनको सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। इसके साथ ही चौकटी पे जो श्रमिक है, मलतली चौराहे पे जो श्रमिक मौजूद रहते हैं, जो गाँव से काम के रोज़गार के लिए आते हैं, उन लोगों को अधिक जानकारी नहीं होती है। तो अरावली निर्माण मजदूर सुरक्षा संघ से पिछले 2 महीने से लगातार मजदूर भाइयों को जागरूक किया जा रहा है कि वो अपना श्रमिक कार्ड बनाए और उससे लाभ से जुड़े। इसके लिए जो गांव के जो सरपंच और सरपंच है उनसे भी लगातार संपर्क किया जा रहा है ताकि उनके माध्यम से भी लगातार वो नाकों पे आए और नाकों पर आकर जो है वो भी इस प्रचार प्रसार का हिस्सा बने और मजदूर भाइयों के योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए वो भी लाभबंद होकर यूनियन का सहयोग करें और अपने ग्रामीण क्षेत्र के मजदूरों का सहयोग करें, अपने गांव के लोगों का सहयोग करें। इसी मंशा के साथ अरावली निर्माण मजदूर सुरक्षा संघ लगातार जो है प्रयास कर रहा है और इसमें प्रयासरत है। आज माता बहनों को भी पालनहार स्कीम योजनाओं के बारे में जानकारी देकर जागरूक किया। लगातार 2 महीनों से जो है लगातार कैंपेनिंग के माध्यम से जागरूकता अभियान चलाकर जो है लगातार मजदूरों को जागरूक किया जा रहा है और अरावली निर्माण मजदूर सुरक्षा संघ के समस्त साथी अपने अपने ब्लॉक स्तर पर भी लगातार जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। इसके साथ ही लेबर हेल्पलाइन एवं जनदक्षा ट्रस्ट आजीविका ब्यूरो सभी मिलकर मजदूर भाइयों को जो है जो हमारी NCCL के तहत पालनहार स्कीम है उससे जोड़ा जा रहा है ताकि मजदूर भाई कहीं बीमार हो जाए या उसको कोई क्षति हो जाए तो उस दौरान उसको 500 रुपए का प्रतिदिन का इलाज भर्ती रहने पर उसको क्षतिपूर्ति दिया जाएगा। तो ये एक बहुत ही अच्छी योजना है, इसके जुड़ाव के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। अरावली निर्माण मजदूर सुरक्षा संघ सभी मजदूर भाइयों के सर्वांगीण विकास में लगातार सहयोग कर रहा है और निरंतर जो नाके हैं उदयपुर के सभी नाकों पर प्रचार प्रसार किया जा रहा है।